हेलो एवरीवन वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट और मैं यहाँ की एक फैकल्टी हूँ कॉमर्स की आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ठीक है पेपर टू का यूजीसी नेट से ठीक है बिजनेस इन्वायरमेंट का पेपर uh, टू से जैसे इंटरनेशनल बिज़नेस है उसका एक ये टॉपिक है क्या नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट ठीक है तो इन्वायरमेंट का जनरली सबको पता होगा जो नहीं जानते हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस से ठीक है बेसिकली बिजनेस क्या इंक्लूड करता है एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन ट्रेड बैंकिंग इंश्योरेंस और क्या लेता है फाइनेंस एनर्जी एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा बेसिकली जो भी बिजनेस में आपकी गुड्स हो गई सर्विसेज हो गई ठीक है वो सारी इन्वॉल्व होती हैं अब इसी में एक पार्ट आता है इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है आपने अपने बिजनेस ट्वेल्थ में पढ़ा होगा जो भी कॉमर्स से होंगे कि एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं अब कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज क्या होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती लाइक like, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं समझने की कोशिश करते हैं लाइक गवर्नमेंट के लॉज हैं ठीक है या नेचुरल डिजास्टर आता है कुछ तो वो चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं लेकिन कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में होंगे लाइक सप्लायर्स हो गए प्रोड्यूसर्स हो गए रॉ मटेरियल हो गया ये आपके कंट्रोल में रहेगा अब इसी के ऊपर आपका बिजनेस ऑफ इन्वायरमेंट है पूरा ठीक है अब जितनी भी फार्मस हो गई इंडस्ट्रीज हो गई इस चीज़ को वो क्या करती हैं स्टडी करती हैं ताकि उनको क्या मिले फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले यानी स्वोट एनालिसिस कर सके अपना स्पोट होता है एस डब्ल्यू ओ टी यानी अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर पाए वीकनेस पे काम कर पाए ऑपॉर्चुनिटी पे काम कर पाए और थ्रेट जान पाए कि उनके बिजनेस का थ्रेट क्या रहेगा ठीक है थोड़ा इसको आगे पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कौन सा फैक्टर आता है टेक्नोलॉजिकल अब टेक्नोलॉजी से सब हम आजकल फ़ोन यूज करते हैं आप ये टेक्नोलॉजी में ही पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं ठीक है क्या कहता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आ टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू एडवांस कंपनीज कैन बेनिफिट फ्रॉम दीज ब्रेक थ्रू और फेस चैलेंजेस इन विद कॉम्पिटिटिंग देखो आपको जो स्टेटमेंट्स हैं डेफिनेशन हैं वो पढ़नी पड़ेंगे लेकिन से आप समझिए जैसे अ कंपनी दैट जीपीएस डिवाइजेस फॉर पर्सनल कार्स अब जीपीएस लाइक like जैसे ओला उबर इनमें सब जीपीएस यूज होता है आप वहां से लोकेशन जान पाते हैं कौन कहाँ है ठीक है तो कंपनी ने जाना कि जीपीएस कितना ज़रूरी है तो उन्होंने वो उसको लेके इंट्रोड्यूस किया ठीक है मतलब उस चैलेंज को जाना समझा कि आने वाली जनरेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है वो कौन सा फैक्टर होता है टेक्नोलॉजिकल तो ये ध्यान रखिएगा टेक्नोलॉजिकल क्या है एक मैक्रो फैक्टर है जो कि यानी मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है और ये क्या है एक्सटर्नल फोर्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है ठीक है यानी इसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा बाहर से क्या टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है डे बाय डे ठीक है आगे आता है आपका इकोनॉमिक फैक्टर अब इकोनॉमिक्स लाइक like जो आप पढ़ते हो नेशनल uh, इनकम हो गया ठीक है डिमांड एंड सप्लाई हो गई वो इकोनॉमिक फैक्टर का पार्ट होता है क्या कहता है द स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ सबसे मेन चीज ध्यान रखिएगा जैसे जो डेली लाइफ से रिलेट होगा वो कौन हो जाएगा आपका इकोनॉमिक फैक्टर हो जाएगा ठीक है जो भी आपके पर्सनल टू द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू थ्राइव बंदा इकोनॉमिक ट्रेंड्स डाउनवर्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट अब सिंपल इसमें क्या आ गया अनएम्प्लॉयमेंट की बात होगी पॉवर्टी की बात हो गई ठीक है वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं ठीक है रिवेन्यू कितना है डिमांड कितनी है सप्लाई कितनी है जनरल प्राइस लेवल कितना है इन्फ्लेशन कितना है डिफ्लेशन कितना है कंट्री में वो कौन से फैक्टर्स हो गए इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाते हैं आगे बढ़ते हैं आगे आते हैं पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर देखो पॉलिटिकल जुड़े हो गए गवर्नमेंट से सिंपल अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो सर्टेन कंडीशंस लगाती है टैक्स को बढ़ाती है कम करती है तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट हो गया ठीक है वहीं दूसरी तरफ लीगल इन्वायरमेंट लीगल हो गए जो लॉ यानी कानून बनते हैं लाइक कंपनीज एक्ट हो गया पार्टनरशिप एक्ट हो गया इनमें भी क्या होती रहती है डे बाई डे अमेंडमेंट अमेंडमेंट मीन्स होता है जो चेंजेस होते हैं ठीक है अब इसमें क्या हो गया पॉलिटिकल लीव ऑफिस एंड न्यू वंस रिप्लेस देम ठीक है द इम्प्लीमेंट ऑफ एन अफेक्ट बिजनेस जो भी वो इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ें यानी लागू करते हैं या जो भी अमेंड लेके आते हैं वो आपके बिजनेस को डायरेक्टली रूप से या डायरेक्टली तरीके से क्या करती है कही कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपकी टैक्सेशन आ जाएगा टेरिक्स आ जाएगा इंप्लॉयमेंट लो हो गया कॉम्पटिशन रेगुलेशन हो गया इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन हो गया इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी लो हो गए मतलब ये सारे लॉज या ये किससे जुड़े होते हैं पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर से जुड़े होते हैं पहला आपका क्या था टेक्नोलॉजिकल दूसरा इन्वायरमेंटल और तीसरा पॉलिटिकल एंड लीगल आगे बढ़ते हैं अच्छा ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं मैक्रो फैक्टर्स कहते हैं हम इनको ये हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं दूसरे होते हैं माइक्रो फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं जो इंटरनल होते हैं जैसे मैंने नाम लिया था सप्लायर्स प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल्स एम्प्लॉज़ ये आपके कंट्रोल में है ये क्या है ये स्टडी करना पड़ेगा उसके हिसाब से आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर आता है डेमोग्राफिक फैक्टर डेमोग्राफिकल बेसिकली एज जेंडर रूरल अर्बन एरियाज इनकी बात करता है ठीक है एज क्या रही जेंडर क्या रेस नेशनैलिटी क्या रहेगी बिलीफ सिस्टम क्या है लोगों का मार्शल स्टेटस क्या है ठीक है ऑक्यूपेशन क्या है इनकम क्या है लेवल ऑफ़ एजुकेशन क्या है एक एरिया में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ए कंट्री है या ए सिटी है वहाँ पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं किस एज के हैं यंग जनरेशन के हैं ओल्ड जनरेशन के हैं वो सारी चीज़ इसमें आती है अब लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल वैन मोबाइल फोन कंपनीज एनर्ज इन द नाइनटीज दे आर मार्केटिंग एफर्ट फोकस ऑन यंग सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स बेसिकली उनका फोकस किसके ऊपर था यंग प्रोफेशनल्स के ऊपर था क्यों और बाकी क्यों नहीं किया सिर्फ यंग प्रोफेशनल से क्यों किया क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं आगे ग्रो करना है तो इनको इन एज ग्रुप को टारगेट करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि यही बिजनेस को क्या करेंगे आगे लेके जाएंगे ठीक है जैसे बोलते हैं ना अगर कोई चीज़ सही चीज सही पर्सन के हाथ में है तो उसका सही यूज होगा अदरवाइज किसी गलत पर्सन के हाथ में है, तो उसका क्या होगा मिस यूज होगा ठीक है आगे आता है सोशल फैक्टर अब एक हम सोसाइटी में रहते हैं समाज में रहते हैं वहां के कल्चर बिलीफ अलग होते हैं ठीक है तो सिंपल सी कुछ आ, क्या कहता है सोशल फैक्टर कहता है वेयर पीपल लिव देयर देयर पर्सनल वैल्यूज एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट व्हाट वेयर एंड व्हाई सिंपल सी बात है जहां पर रहते हो क्या करते हो कैसे करते हो क्यों करते हो आपकी सोसाइटी जिस सोसाइटी में रह रही है वो सोसाइटी आपको इंपैक्ट करती है ठीक है अब जैसे क्या है अ कंपनी दैट सपोर्ट अ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन में ऑन द ट्रस्ट एंड लॉयल्टी ऑफ कस्टमर फीमेल अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो किसको सपोर्ट करती है फीमेल या एम्पावरमेंट को करती है तो ऑटोमेटिकली जो भी फीमेल होंगी उनका ट्रस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपने आप बन जाएगा क्योंकि गुडविल ऐसी बनी हुई है ट्रस्ट ऐसा बना हुआ है क्योंकि वो काम जिस तरीके से कर रही है ठीक है सोशल फैक्टर में क्या आप ध्यान रखना कल्चरल जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं बैकग्राउंड क्या होता है वैल्यूज उस सोसाइटी की क्या है ऐसे फैक्टर यानी एक कंपनी जब बिजनेस करेगी तो ये सामाजिक चीज़ें या सोशल फैक्टर को अपने दिमाग में रखेगी एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा जैसे मैकडोनल्ड्स है इंडिया में मैकडोनल्ड्स में बीफ प्रोडक्ट नहीं मिलता है क्यों क्योंकि इंडिया में उस चीज का कल्चर नहीं है दैट्स वाई क्योंकि वो सोसाइटी में हमारे अलग वे में लिया जाता है तो दैट्स वाई उसको अवॉइड किया जाता है आगे चलते हैं सिक्स फैक्टर आपका क्या है कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स कॉम्पिटिटिव यानी बेसिकली क्या हो गया एक दूसरे से कॉम्पिटिशन जैसे हम करते हैं अब ध्यान रखना सबसे ऊपर होते हैं मार्केट लीडर उसके बाद आते हैं फॉलोअर्स ठीक है फिर चैलेंजर्स ठीक है और लास्ट में कौन होते हैं आपके नीस मार्केट ठीक है अब कॉम्पिटिशन से क्या होता है क्यों कंपनी कॉम्पिटिशन करते हैं लाइक अडानी अंबानी ये क्यों करते हैं टाटा बिकॉज मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए और अपने कॉम्पिटी कॉम्पिटिटर को ट्रैक करते हैं ताकि कॉम्पिटिशन बना सके ठीक है और, और कस्टमर को अपने पास रख सके ठीक है अब सबसे पहले हमने पढ़े टेक्नोलॉजिकल उसके बाद इकोनॉमिकल फिर पॉलिटिकल एंड लीगल डेमोग्राफिक सोसाइट सोशल और उसके बाद पड़ा कल्चर कॉम्पिटेटिव अब आता है ग्लोबल फैक्टर सेवन कौन सा फैक्टर है आपका ग्लोबल फैक्टर ग्लोबल फैक्टर बेसिकली क्या कहता है देखो ग्लोबली जैसे एम होती हैं ग्लोबलाइजेशन पढ़ा होगा ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी मीन्स आपका प्रोडक्ट सिर्फ आपकी टेरिटरी तक ना रहकर पूरी वर्ल्ड टेरिटरी में घूमेगा ठीक है अब क्या कहता है ग्लोबल फैक्टर यहां पर एग्जीक्यूटिव हैवर ड्यूटी टू कीप ट्रैक ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इश्यूज यानी आप ऐसे समझो कि आपको ये नहीं देखना कि आपके घर पे इश्यूज क्या क्या हैं आपको ये भी देखना कि आस पड़ोस में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं तो यहां दो वर्ड आते हैं डोमेस्टिक और ग्लोबल ठीक है स्पेशली इफ दे कंडक्ट बिजनेस इंटरनेशनल यानी जब आपको ध्यान रखना अगर आपको तो बिज़नेस डोमेस्टिक रखना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लेकिन आपको अगर बड़े लेवल पे बड़े स्केल पे लेके जाना है इंटरनेशनली लेके जाना है तो आपको डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनली दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर कौन से इश्यूज हैं मतलब पहले क्या होगा सोशल इश्यूज सिर्फ आप अपनी घर पे देख रहे हो लेकिन यहाँ पर क्या है आप एज ए वर्ल्ड इकोनॉमी में देख रहे हो कि बाहर का कल्चर क्या है बाहर की नॉर्म्स क्या हैं ठीक है, है? चलिए फिर आते हैं एथिकल फैक्टर्स अब एथिकल फैक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली समझना इस लाइन से बिकॉज ईच इंडिविजुअल इंडिविजुअल हैज़ अ डिस्टिंग कंसेप्ट ऑफ एथिक्स एंड मॉरेलीटी हर पर्सन के अपने खुद के एथिक्स होते हैं मॉरेलीटी होती है ठीक है पर्सनल लाइफ होती है ठीक है तो वो अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही क्या करता है चीजों को एडप्ट करता है ठीक है जैसे कोई व्यक्ति सोशल मीडिया अकाउंट चलाता है और रियल आ, मतलब वो इंपैक्ट करता है रियल लाइफ में कैसा है सोशल मीडिया पे कैसा है तो ये एक एथिकल फैक्टर है ये भी ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप कोई कंपनी ऐप लॉन्च कर रही है कुछ कर रही है कनेक्टिविटी के लिए तो ये सारे फैक्टर्स को वो क्या रखती है ध्यान रखती है ठीक है अब यहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अ बिज़नेस इन्वायरमेंट मतलब ऐसी चीज़ें या आप इसको क्या बोल सकते हो कि जिन कारणों की वजह से बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है अभी हमने सारे जो फैक्टर्स पढ़े वो क्या होंगे इफेक्ट होंगे लाइक जैसे डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं सप्लाई को ऐसी ये चीज़ है कि बिज़नेस इन्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक हो गया इकोनॉमिक में क्या क्या आ गया कॉम्पिटिटर्स उसके प्रोडक्ट क्या क्या अवेलेबल है ऑल्टरनेटिव फॉर एक्जाम्पल उसके सब्सिड्यूट प्रोडक्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक में होता है पेप्सी और कोक तो एक दूसरे को हर इन्वायरमेंट में हर तरीके से देखेंगे ठीक है कस्टमर इकोनॉमिक साइकिल क्या है सब्सिडीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं पॉलिटिकल और लीगल में आप हमेशा यही ध्यान रखना कि लॉ और गवर्नमेंट जब भी चेंज होती है आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होता होता है तो और इसमें क्या क्या आ जाएगा मैनेजमेंट पॉलिसीज़ आ जाएंगी सब्सिडीज़ क्या है एग्रीकल्चर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है लैंड रिफॉर्म्स क्या हैं ठीक है सोशल में क्या आ जाएगा आपका कल्चरल बिहेवियर क्या है वैल्यूज़ ठीक है एटीट्यूड्स डेमोग्राफिक एजुकेशन स्किल इन्वायरमेंट अवेयरनेस ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा कैसा क्लाइमेट है सॉइल है कंडीशन है वाटर वाटरबिलिटी क्या है एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या है लैंड यूज़ प्लानिंग क्या है और टेक्नोलॉजिकल में क्या आ जाएगा सिंपल सी बात है देखो अब इसको अगर सिंपल टर्म्स में समझना चाहो इकोनॉमिक जो आपकी लाइक माइक्रो मैक्रो से जुड़ा है पॉलिटिकल गवर्नमेंट और लॉ से जुड़ा हुआ है सोशल जो समाज से जुड़ा हुआ है इन्वायरमेंटन सीधा सीधा आपका जैसे क्लाइमेट uh, कैसा है सॉइल कंडीशन कैसी है इरीगेशन फैसिलिटी होगी नहीं होगी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए और टेक्नोलॉजिकल टेक्निक की टेक्नोलॉजी uh, की बात करेगा कि कितनी अपग्रेड है और किस तरह की टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी है ठीक है अब uh, ये थी बिजनेस इन्वायरमेंट की बात हमने क्या किया देखो एक बार रिमाइंड करते हैं क्या क्या पढ़ा आपने बिजनेस इन्वायरमेंट बेसिकली ऐसा इन्वायरमेंट जो स्टडी करते हैं हम जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है ठीक है बिजनेस पता है क्या होता है बिजनेस कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का हम क्या कर रहे हैं ट्रेड कर रहे है, अब, हैं ठीक है अब माइक्रो और मैक्रो दो इन्वायरमेंट पढ़े आपने ठीक है हमने बेसिकली मैक्रो पढ़े हैं यहाँ पर मैक्रो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं जिसकी हम स्टडी करते हैं ताकि हम स्वट एनालिसिस कर पाए ठीक है तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होती है आप याद कर सकते हो पेटल से पेस्टल से या पेस्ट से ठीक है लाइक पीस से हो गया पॉलिटिकल इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंटल और लीगल सोशल ठीक है अब ये फुल फॉर्म्स यहाँ लिखी हुई है साइड में ये शॉर्ट फॉर्म याद रखोगे आपको इन्वायरमेंट याद रखने पड़ेंगे और इनका बाइफोकेशन आपको पता होना चाहिए ठीक है अब कंसेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया है ठीक है अब कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बेसिकली लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं तो आप ऐसे याद रखना जो भी पेस्टल आपने पढ़ा है पेस्टल बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है ठीक है इंटरनल में क्या आ जाएंगे आपके माइक्रो जो बोलता हूं मैं बेसिकली भी बोला मैंने वर्ड यूज किया है बार बार जितना भी रॉ मटेरियल है सप्लायर्स हैं ठीक है प्रोड्यूसर्स हैं एम्प्लॉज हैं इनको आप कंट्रोल कर सकते हो ये आपके मतलब विद इन हैंड है चीजें लेकिन जो लाइक like, एक सिंपल सा नेचुरल फैक्टर बोल रहा हूं भूकंप आना अर्थक्वैक आना सुनामी आना आपके कंट्रोल में नहीं है आप क्या कर सकते हो ये चीज स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हो ठीक है तो अब एक्सटर्नल फोर्सेस क्यों जरूरी है एक्सटर्नल फोर्सेस में भी रिलेटेड टू नेशनल लेवल रीजनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल हर जगह इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना नेशनल लेवल एक पर्टिकुलर रीजन लेवल के थ्रू और इंटरनेशनल लेवल के थ्रू क्योंकि आपको ग्लोबली जाना है एक पर्टिकुलर रीजन भी देखना है और नेशनल अपने डोमेस्टिक में भी काम करना तो एक तो एक है तो एक्सटर्नल फोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और क्या कह रहा है अब बिजनेस फर्म गेट्स ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एनर्जी रॉ मटेरियल फ्रॉम सोसाइटी ये तो सिंपल सी बात है ये सारी चीज़ें आपको अपनी सोसाइटी से ही मिलती है और साथ में आपको क्या फॉलो करने पड़ते हैं गवर्नमेंट रूल्स अब गवर्नमेंट रूल्स आपने वर्ड पढ़ा तो समझ जाओ किसका पार्ट है पॉलिटिकल का रेगुलेशंस लीगल पार्ट का सोशल नॉर्म्स आ गया सोशल फैक्टर का ये भी कल्चर सोशल फैक्टर का ठीक है ग्लोबल अलाइनमेंट ये ग्लोबल फैक्टर का मतलब ये हाईलाइटेड वर्ड्स आपको याद होने चाहिए अब देखो टैक्सेशन पॉलिसीज या टैक्स पॉलिसी पॉलिसी लीगल फैक्टर का पार्ट है ठीक है डायनेमिक एंटिटी है डायनेमिक मीन्स जो चेंज होती है बिजनेस क्या है एक डायनेमिक है जो क्या होता रहेगा रहे चेंज होता रहेगा मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या है ये कंटीजेंट है अन मतलब जो आप प्रिडिक्ट कर पाओ ठीक है उस चीजों के लिए यूज होता है ठीक है कॉमन मिस्टेक्स को ध्यान रखना जब भी पढ़ना और हाईलाइटेड वर्ड्स को ध्यान रखना आई होप आपको समझ आया होगा थैंक यू फॉर नाउ दैट्स इट